इस पैनल पर दो प्रतिमाएं बनी हैं। पहले इस हनुमान को देखिए, मेरा दावा है कि यह बुद्ध के कार्विंग को तोड़कर बनाया है। मेरे पास इसे सिद्ध करने के लिए सारे सबूत है। आपने हनुमान की कई सारी सुंदर मूर्तियां देखी होगी, क्या ये हनुमान की कार्विंग कहीं भी आपको ऐसी दिखती है? खैर छोड़िए, यहाँ पर किसी का तो कार्विंग आइडल जरूर था, जो सिद्ध होता है इस कार्विंग पैनल की बाउंड्री लाइन से। इस कार्विंग पैनल को देखिए, जो इन दो आइडल के बाहरी तौर पर बाउंड्री की तरह बने हुए हैं। ऐसी बाउंड्री आपको बहुत सारी केव्स में नजर आएंगी। ये कार्ला के डोर पैनल देखिए, जहाँ पर ऐसी ही बाउंड्री बनी है। तो चलिए अब इस हनुमान को और नजदीक से देखते हैं, क्या ये पत्थर को तराश कर बनाई हुई नक्काशी लगती है? इस हनुमान के चेहरे पर तो काफी सारे क्रैक बने हुए हैं, क्योंकि ये कार्विंग नहीं है बल्कि कंक्रीट से बना हुआ मुख है। हनुमान की पूंछ तक इस प्रतिमा का हिस्सा नहीं है। चलिए इसी नासिक के उसकी और भी मूर्तियां हम देख लेते हैं। किसी भी मूर्ति पर यहाँ पर क्रैक नहीं है। इन मूर्तियों का समय के अनुसार घटाव जरूर हुआ है, लेकिन क्रैक नहीं है। ये कार्विंग पैनल जरूर है, लेकिन यहाँ पर हनुमान की बिल्कुल भी कार्विंग नहीं है। किसी और की कार्विंग जरूर है, जिस पर कंक्रीट से हनुमान बनाया गया है। तीसरा और आखिरी सबूत, जिससे ये साबित हो जाएगा कि ये भगवान बुद्ध की ही प्रतिमा है। आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ। इस चेहरे के आकार को देखिए, ये लंबाकार चेहरा बुद्ध का है। ये लंबी कान और घुंघरालू बाल आज भी चीख कर बुद्ध के अस्तित्व की गवाही दे रहे हैं। अब इस भगवान गणेश की मूर्ति को भी देखिए, क्या ये भगवान गणेश लगते हैं? यहाँ पर तो हाथ भी मूर्ति से काफी दूर है और भगवान गणेश की सूंड तक दिखाई नहीं दे रही, लेकिन आप नजदीक से देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको बुद्ध की झलक जरूर दिखेगी। ये गुफा नंबर 4 है। यहाँ पर आप एंट्रांस में स्तंभ देख सकते हैं। स्तंभ के ऊपर हाथी पर बैठे हुए महिलाओं के शिल्पपट है और ऊपरी साइड में वेदिका की डिजाइन है, जो महाराष्ट्र की अनेक गुफाओं में इसी प्रकार से दिखती है। लेकिन जैसे ही आप अंदर आते हैं, तो आपको यहाँ पर भी दीवार पर हनुमान की लाइन ड्राइंग दिखाई देगी। अगर आप इसे नजदीक से देखेंगे तो आज भी आपको चौक से बनाई हुई ड्राफ्टिंग, जिस पर किसी नोकीले टूल से रगड़कर फाइनल ड्राफ्टिंग बनाई है, ये साफ साफ दिखाई देता है। यहाँ के स्थानिक लोगों के अनुसार ऐसे अतिक्रमण अक्सर रात में ही किए जाते हैं। जरा सोचिए, किसी पहाड़ को सालों तक तराश कर गुफाओं के रूप में चैत्य विहार और सुंदर नक्काशियों का निर्माण होता था, ऐसी गुफाओं में भला कोई लाइन ड्राइंग क्यों बनाएगा? अगर आप 50 साल पुरानी भी कोई ASI की बुक देखते हैं, तो उसमें भी इस लाइन ड्राइंग का और हनुमान का वर्णन आपको नजर नहीं आएगा, क्योंकि ये पिछले 50 सालों के अंदर ही हुआ अतिक्रमण है। ये गुफा नंबर 10 है, जो नासिक गुफाओं की श्रृंखला में दूसरा सबसे बड़ा विहार है, जिसे नापना विहार कहा जाता है। विहार में प्रवेश करते ही सामने जो नक्काशी दिखती है, दरअसल ये भी अतिक्रमण है। गौर से देखिए, समझ में आया? नहीं आया? चलिए मैं और नजदीक से दिखाता हूँ। अब आपके समझ में आ रहा है? अब भी नहीं आ रहा है? चलिए मैं आपको तुलना करके दिखाता हूँ। ये नासिक गुफा श्रृंखला की गुफा नंबर 3 है, जिसे गौतमी पुत्र विहार कहा जाता है। इस विहार में बने कार्विंग पैनल को देखिए, इसके दोनों ओर महारानी गौतमी की प्रतिमा है, जो गौरवशाली स्तूप के समर्थन में अशोक चक्र के साथ खड़ी है। इस शिल्पांकन के सेंटर में स्तूप है, जिस स्तूप के विभिन्न अंग जैसे कि वेदिका, गुम्बद, हार्मिक और छत्र स्पष्ट दिखाई देते हैं। इस गुफा नंबर 10 की कार्विंग को देखिए, यहाँ पर हार्मिक और छत्र स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, लेकिन स्तूप का गुंबद गायब है और इसी जगह पर किसी भैरव की कार्विंग है। ये स्तूप पर किया हुआ अतिक्रमण हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। अतिक्रमण का एक और सबूत मैं आपको दिखाना चाहूंगा। इस गुफा नंबर 3 के कार्विंग पैनल के पीछे दो कक्ष बने हुए हैं। इसी तरह से गुफा नंबर 10 के कार्विंग पैनल के पीछे भी दो कक्ष बने हुए हैं, यानी जो मेन कार्विंग पैनल है महज एक दीवार की तरह है। इसीलिए जब भैरव की कार्विंग बनाई जा रही थी, उस समय बैक सपोर्ट न होने के कारण यहाँ पर एक बड़ा छेद बन गया, जो आप गुफा नंबर 10 में आज भी देख सकते हैं। कुछ लोग तो गुफा नंबर 23 में बने इन 5 शिल्पांकन का ही पांडव के नाम से प्रचार करते हैं। क्या आपको ये पांडव लगते हैं?
भगवान बुद्ध को उनके मुद्राओं से भी बड़ी आसानी से पहचाना जा सकता है। एक्सट्रीम लेफ्ट और राइट साइड में अभय मुद्रा में अवलोकितेश्वर बुद्धा की प्रतिमाएं हैं और सेंटर में धम्म चक्र मुद्रा में भगवान बुद्ध की प्रतिमा है और उनके दोनों ओर बोधिसत्वों की प्रतिमाएं बनी हुई है। अगर इन गुफाओं का निर्माण पांडवों ने किया है तो एक आम इंसान के मन में कुछ सवाल जरूर आते हैं, जैसे कि पांडव गुफाओं में पांडवों का कोई शिल्प क्यों नहीं दिखता, पांडव गुफाओं में पांडवों का कोई शिलालेख क्यों नहीं है, पांडव गुफाओं में अक्सर बुद्ध के शिल्पांकन ही क्यों होते हैं, क्या पांडव बौद्ध थे, तो फिर सत्य क्या है? आज मैं हूँ नासिक की त्रिरश्मि बौद्ध गुफाओं में, जिसे पांडव गुफा भी कहा जाता है या पांडवलिनी भी कहा जाता है। तो कभी कभी आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि इसे पांडव गुफा कहना चाहिए या त्रिरश्मि गुफा कहना चाहिए। तो देखिए, ये पांडव नाम की क्रोनोलॉजी की बात करें तो प्राकृत पाली में पीले रंग को पंडु कहा जाता है। तो ये पंडु वस्त्र पहने हुए यानी पीले वस्त्र पहने हुए बौद्ध भिक्खु इन गुफाओं पर निवास करते थे, इसीलिए स्थानिक लोग इन्हें पंडुलिनी या पंडु गुफा कहते थे। ये पंडु नाम धीरे धीरे समय के अनुसार बदलते बदलते पांडु हो गया, फिर इसका नाम पांडु गुफा या पांडुलिनी हो गया और इसी तरह से आगे बढ़कर ये पांडव गुफा या पांडवलिनी हो गया। और ये जैसे नाम पांडव गुफा बन गया तब से लोगों ने तरह तरह की कहानियाँ बनाने शुरू हो गई। वैसे पांडव